तो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल में देख के पता चल रहा होगा, ये Q&A वीडियो, सवाल आपके और जवाब मेरे। और जिनको नहीं पता मैंने सवाल कहाँ से उठाया, तो मैं बता दूँ, तो मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली आस्क मी अ क्वेश्चन करके, फिर काफ़ी रिस्पॉन्स आए। सो मैंने कुछ उसमें से सिलेक्टिवली क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए, जिसका आंसर अभी मैं आगे व्लॉग में दूंगा। एंड रिसेंटली मेरे अभी 1K सब्सक्राइबर हो, सो अब हर वीडियो में मुझे थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। सो Q&A का मैंने एक इंट्रो बनाया है, सो एक बार आप इंट्रो पर नज़र डाल लें। हियर इज द इंट्रो। पहला क्वेश्चन पूछा है अनबीटेबल हर्ष, कंडीशन ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियर इन LPU। अरे मां चुदी परे या चल। नहीं मजाक कर रहे हैं, जोक था। सारे कोर्सेज अच्छे हैं LPU में, अगर नहीं अच्छे होते तो मैं क्यों कर रहा हूँ वहाँ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दूसरा क्वेश्चन पूछा है शालिनी मिश्र ने, हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया ऑफ ओपनिंग योर यूट्यूब चैनल। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा है रियल आयान ने, भाई आपको ब्लॉगिंग करने का ख्याल कब आया। सो आंसर इज सिंपल, मुझे रिकॉर्ड करना पसंद था, एडिट करना पसंद था, बस कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था इस पे शो। एंड यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू शो केस योर टैलेंट एंड यू आर फ्री टू डू व्हाट यू लाइक। सो यूट्यूब इज़ द ओपन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल। और लोगों के ब्लॉग्स देखता था मैं काफ़ी टाइम से, मैं ऑब्जर्व करता था कैसे क्या क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। देन एक दिन ख्याल आया क्यों ना मैं भी करता हूँ, एंड बूम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सैयद उमैर ने, और इन भाई साहब का क्वेश्चन है, भाई भाभी से कब मिला रहे हो। ले लो भाई मजे ले लो, मेरा चैनल मेरा व्लॉग मेरी बेइज्जती कर लो भाई कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हरीबा ने, तो इनका क्वेश्चन ये है कि इफ़ यू गेट अ चांस विच यूट्यूबर यू विल वर्क विथ। आंख बंद करके कभी भी इरफान जुनेजो और आमिर खान मिल लीजिए, और ऑब्वियसली कैसी नाइस स्टार्ट, वो तो जिगर है और मुझे पता है वो औकात के बाहर है। और इनका दूसरा क्वेश्चन है, ऑफ ऑल योर ट्रिप्स विच वन इज़ योर पर्सनल फेवरेट। ऋषिकेश, क्योंकि उसमें एक किस्सा हुआ था, मैंने बताया नहीं, एक बार नज़र मारेंगे किस्से पे। सो द थिंग इज जस्ट पीछे मेरे गाड़ी फंस गई है, ये वाली सारे लड़के गाड़ी निकलवा रहे हैं। भाई चल के आएगी चूतिए, आगे आएगी गाड़ी। अरे सारे लौंडे हमारे फीके पड़ गए, सब पतले दुबले थे, सब हीरो बनने चले थे, कार निकाल लेंगे। बाकी हमारे लड़के आप देख सकते हैं यहाँ खड़े हैं, कुछ चार पांच गाड़ी के पीछे खड़े हैं, दो एक्टिंग कर रहे हैं निकाल लेंगे। समझ रहे हैं ना गाड़ियों में कौन है, इसलिए सब मदद कर रहे हैं। सो अब ये सेकेंड तरीका दिख रहा है, खींचने वाले से तो हो नहीं पा रहा है। सेकेंड तरीका यहाँ पे कार खड़ी, निकल गई भाई, निकल गई। We did it. हमने कर दिया सब, हमने जाओ ले जाओ, कर दिया हमने, सब हमने किया, सब हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुनंदा ने, योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन। मेरी इंस्पिरेशन अभी तक कोई थी नहीं, बट जब मैंने मोहम्मद सलीम खान MSK व्लॉग इनके चैनल का नाम है, उनका TEDx टॉक देखा और उनका चैनल पे उनका काम देखा, तो भाई रोने खड़े हो गए। मेरी अभी तक तो इंस्पिरेशन सलीम खान ही है। सो अगला क्वेश्चन पूछा है 15 सनबे, आई होप मैं इनका यूजर नेम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इनका क्वेश्चन है डू मग शॉट चैलेंज। मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेकअप नहीं करा था, मैंने एडिटिंग करी थी, ऐसी कुछ चली थी मैंने फ़ोटो, ये आ रही होगी। सो मैं दोबारा नहीं कर रहा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है समीर भाई का, और इन्होंने पूछा है तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तीतर मस्त कसम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करुणा चौधरी का, और उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। तो इनका क्वेश्चन कुछ ऐसे, तुमने हमेशा सनग्लासेस क्यों लगाए होते हैं, वैसे तुम पे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट इज़ देयर एनी रीज़न। हाँ
मेरा फेवरेट क्वेश्चन। सी, मैं केसी नाइस्टैट का बहुत 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 बड़ा फ़ैन हूँ, उनके काम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो आई ट्राई टू बी देसी नाइस्टैट, और मुझे उनसे कॉपी करने में कोई शर्म नहीं आती, ठीक है। एंड वो भी चश्मा लगा के ऐसे बोलता है, सो बस इसीलिए, और कोई खास रीज़न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नेहा ने, नेहा खान, और इनका क्वेश्चन है, व्हाट समथिंग नो वन नोज अबाउट यू। आई लव कॉर्न, कॉर्न, CORN, ठीक है, कॉर्न। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निधि ने, और इनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर ड्रीम, योर एम्बिशन। ज़्यादा कुछ खास ड्रीम नहीं है, बस एक मन्नत हो शाहरुख खान के घर, और एक जन्नत हो जन्नत जुबैर, ठीक, यही ड्रीम है मेरा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोमेश कोहरे ने, ये मेरा क्लासमेट है, इनका क्वेश्चन है, वुड यू गिव अप ऑन सब्सक्राइबर टू गेन व्यूज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। देखो ब्रो, सब्सक्राइबर्स आर माई पिलर्स, मतलब इस चैनल के पिलर्स हैं, ठीक है, और व्यूज़ का क्या, व्यूज़ मतलब आज नहीं है कल होंगे, कल होंगे तो परसों नहीं होंगे, बट सब्सक्राइबर कॉन्स्टेंट है, जो मेरे 1K सब्सक्राइबर, इनके पीछे कोई बॉट नहीं है, कोई रोबोट्स नहीं है इसके पीछे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। सो ऑब्वियसली मैं व्यूज़ के लिए सब्सक्राइबर कभी नहीं छोड़ूंगा, भले वो 1000 हो या 500 या 50। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जैन भाई ने, इन्होंने पूछा है, इट्स बीन अ गुड टाइम सिंस यू हैव स्टार्टेड व्लॉगिंग, सो व्हाट डू यू थिंक इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द व्लॉगिंग। शुक्रिया आपने मेरा दर्द पूछा। सबसे टफ पार्ट जो होता है व्लॉगिंग का, वो होता है व्लॉग स्टार्ट करना, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर आपको पता है जो आप कर रहे हैं बस रिकॉर्ड करना, एंड करना इसी तरह। थैंक यू भाई आपने पूछा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आरपी सिंह ने, और इनका क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज योर कॉलेज एंड ट्रैवलिंग। ब्रो, सो जिस दिन मुझे ट्रिप पे जाना रहता था, तो मैं उस दिन फ्राइडे को 2 बजे के बाद क्लासेस नहीं करता था, तो मुझे फ्राइडे आधा मिल गया, सैटरडे मिल गया, संडे मिल गया, एंड मंडे मॉर्निंग में वापस मंडे को क्लासेस अटेंड कर लेता था। थोड़ा हेक्टिक होता था, बट मुझे व्लॉग बनाना था। देखो ऊपर फ्लैट में रोशनी नहीं है, मैं पार्किंग में व्लॉग बना रहा हूँ, शोर है बट मैनेज कर रहा हूँ ना, नींबू है, देख मेरे को मैनेज हो रहा है ना, तो हो जाता है भाई, बस करने के विल पावर रीजन होना चाहिए, सब मैनेज हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शांतनु मोंगा सर ने, सो इनका क्वेश्चन है, सर मुझे आपका बिल्ला चाहिए या उसके अपकमिंग बिल्ले। आपने तो जान ही मांग ली सर, नहीं समझ में आ रहा ना, एक बार देख लीजिए। तो देख लिया ना, जान है मेरी वो। सो बाय दिस ये वीडियो एंड होती है यहाँ पे, एंड मे बी अप नेक्स्ट व्लॉग बहुत टाइम बाद है। सो टिल देन स्टे सेफ एंड पीस आउट। बस करने के विल पावर रीजन होना चाहिए, सब मैनेज हो जाता है, ठीक है। अरे भाई जी बजा भाई, ठीक है।